कर दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दामिनी और दामिनी की मॉम दोनों ही इस समय राधा और मोहन के खिलाफ यहां पर साजिश कर रही हैं और तुलसी से जुड़ा मामला भी रफा दफा करने की चक्कर में लग रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि तुलसी ने ऐसा जग उठा के मारा है इस समय कि ये लोग पीछे को गिर चुके हैं और वहाँ से भागती हुई नजर आने वाली है कावेरी और दामिनी। वहीं बात की जाए तो राधा और मोहन की, तो दोनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्त हैं, क्योंकि दोस्तों राधा वाकई में प्यार करती है और मोहन का जो असली मन है वो राधा के साथ में ही लगता है, क्योंकि उसे पता है कि दामिनी प्लानिंग के अलावा और कुछ तो करना आता ही नहीं है, क्योंकि दामिनी खाली प्लानिंग ही कर सकती है और दामिनी की हर चाल को नाकाम कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरीका से आता है खुद राधा को, क्योंकि दोस्तों राधा को जो साथ मिला था वो पूरी तरीका से तुलसी को मिला था और तुलसी ने हालांकि इस चीज़ को बोल दिया था कि जो हो रहा है वो मेरी नज़र में है, लेकिन मेरी नज़र से आखिरकार बच नहीं सकता कुछ भी ऐसी चीज़। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार इस समय तुलसी ही वो चीज़ करती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि तुलसी उस गुरु माँ का असली चेहरा सभी लोगों के सामने एक्सपोज करती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि दोस्तों तुलसी ने खुद इस चीज़ को बोला है कि जो चीज़ हो रही है उसका हमें पहले से ही अंदेशा है। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार कहानी में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आखिरकार दामिनी और दामिनी की माँ दोनों को होने जा रही है जेल की सज़ा। जेल की सज़ा कैसे होगी ये भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जेल की सज़ा होनी इन दोनों को इसलिए निश्चित है क्योंकि दामिनी ने भी क्राइम किया है और दामिनी की मॉम यानी कावेरी उसने भी। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, लव यू ऑल ऑफ यू।